चौंकिए मत, सुकेश भैया का जीवन कुछ ऐसा ही है। जैसे जैसे सुकेश चंद्रशेखर द्वारा अंजाम दिए गए 200 करोड़ के रंगदारी के डिटेल सामने आ रहे हैं, संसार न केवल इस बात से परिचित हो रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने कैसे तिहाड़ जेल से अपने साम्राज्य को ऑपरेट किया, अपितु ये भी सामने आ रहा है कि कैसे बॉलीवुड से इसका बहुत गहरा नाता रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं निमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सुकेश चंद्रशेखर रंगदारी मामले में चल रहे जांच से उसके बॉलीवुड से गहरे नाते उजागर हो रहे हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में 200 करोड़ की रंगदारी को लेकर सुकेश चंद्रशेखर पर प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रहा है। इसी के अंतर्गत हो रही पूछताछ में न केवल ये उजागर हुआ है कि कैसे सुकेश तिहाड़ जेल से अपना रंगदारी का धंधा चलाता था, अपितु ये भी सामने आया है कि कैसे उसकी बॉलीवुड की प्रचलित हस्तियों तक अच्छी खासी पहचान थी। और अब वर्तमान रिपोर्ट्स के अनुसार 10 से अधिक चर्चित सितारे इनसे तिहाड़ जेल में मुलाकात भी कर चुके हैं, जिनमें जैकलीन फर्नांडिस के साथ साथ नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जैसे नाम भी सामने आ रहे हैं। ये भी ठीक है। अरे रुकिए, ये तो प्रारंभ है। बताया जा रहा है कि सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को झांसे में लेने से पहले कई अभिनेत्रियों को PMO के नाम पर संपर्क करने का प्रयास किया था। इसके अलावा उनको महंगे गिफ्ट्स भी भेजता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 से अधिक सितारे सुकेश से मुलाकात करने के लिए जेल की दहलीज तक भी पहुंचने को तैयार थे। मीडिया के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि बॉलीवुड के कई नामी सितारे सुकेश से मुलाकात कर चुके हैं। सुकेश की इन सेलिब्रिटी से मुलाकात कराने को लेकर एक दर्जन से अधिक जेल अधिकारी जांचकर्ताओं की रडार पर है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि जैकलीन फर्नांडिस को करोड़ों रुपए के महंगे उपहार देने वाले सुकेश ने बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों और मुख्यमंत्री को लेकर भी लंबे चौड़े दावे किए हैं। ईडी की पूछताछ के दौरान सुकेश ने यह भी दावा किया कि वह श्रद्धा कपूर को 2015 से जानता है और NCB के केस में भी कानूनी रूप से मदद की। हालांकि ईडी सूत्रों ने यह भी कहा कि यह दावा फर्जी है। श्रद्धा कपूर का बयान पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद NCB ने दर्ज किया था। उसके बाद से NCB की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा सुकेश ने यह भी दावा किया कि एक्टर हरमन बवेजा उनके पुराने दोस्त है और वह कार्तिक आर्यन के साथ अगली फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहता था। यानी सुकेश भाई तो यहाँ पर सही खेल गए बॉलीवुड के साथ। इससे पूर्व सुकेश ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताया था कि कैसे उसने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 52 लाख रुपए का घोड़ा और 9 लाख रुपए की एक फारसी बिल्ली उपहार में दी थी। इसके अलावा चार्जशीट में एक्ट्रेस नोरा फतेही का नाम का भी जिक्र किया गया था, क्योंकि नोरा को सुकेश द्वारा एक महंगी कार भी गिफ्ट की गई थी। ये तो कुछ भी नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार तिहार जेल के अफसरों की कृपा से सुकेश चंद्रशेखर का रंगदारी का धंधा तिहार में भी जारी था। जेल में सुकेश अकेले एक बैरक का उपयोग करते थे, जिसे दर्जनों अन्य कैदियों के साथ साझा किया जाना था। उसके पास एक मोबाइल फोन था, जिसे छुपाने के लिए उसके बिस्तर के आसपास के क्षेत्र को पर्दों से ढक दिया जाता था। किसी ने सही कहा है, एक व्यक्ति या संगठन अपनी संगति से समाज में जाना जाता है। जब बॉलीवुड ऐसे लोगों से अधिक परिचित हो जो समाज के हित में काम ना करे, तो आप चाह कर भी बॉलीवुड की छवि को नहीं सुधार सकते।